नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया के इस फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के चौबीटी गड्ढे पर। यहां पर आप देख रहे हैं पुलिस विभाग द्वारा वाहन चेकिंग हो रही है। जो लोग तीन बैठ के आ रहे हैं, जो बगैर हेलमेट के हैं और जिसके पास लाइसेंस नहीं है, आप देख सकते हैं इतने लोगों का चालान काटा गया है। इन लोगों के ये लोग कई लोग तीन लोग बैठे थे और कई लोग हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से ये चालान किया जा रहा है। और पहले आप साफ बोलेंगे तीन सवाल। क्या नाम है आपका? सतीश परियार। किन लोगों का चालान किया जा रहा है? तीन सवारी बिना नंबर और बिना लाइसेंस के जब चेकिंग की जा रही है। जैसे उनके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर किस कितने पैसे लिए जा रहे हैं हम लोग? चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, चालानी कार्रवाई। क्या नाम है सर आपका? राम विशाल। अभी तक कितने लोगों का चालान हो गया है? अब ये तो चालान देखना पड़ेगा कितने लोगों का हो गया, कैठा कितने हो गए। किन किन लोगों का चालान किया जा रहा है? ये तीन सवारी और जो गाड़ी में कुछ कमी होने के कारण बिना नंबर के, उनकी तीन सवारी अधिकतर तीन सवारी के देखते हैं। यदि तीन है तो उनका कितना कितने पैसे लेकर क्या कितने पैसे लिए जा रहे हैं चालान के? पैसे मैडम लिए नहीं जा रहे, चालान जितने का है उतने के काटे जा रहे हैं, उतने पैसे लेकर काटा जा रहा है। तो आइए हम उनसे जानते हैं यहाँ के सर जो चालान काट रहे हैं कि किस तरह से चालान किया जा रहा है और कितना कितना किया जा रहा है। सर आप बताएंगे थोड़ा? हाँ जी। क्या नाम है, किस पद पर है? मैं सहायक उप निरीक्षक BS चौहान थाना यातायात। किस तरह का चालान किया जा रहा है? वाहन रोककर मोटरसाइकिल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो कागजात में कमी पाई जाती है वो चलाने की कार्रवाई उनकी विरुद्ध की जाती है, एवं तीन सवारी नियम का पालन न करने पर चलानी कार्रवाई की जाती है। अभी तक कितने लोगों का चालान हो गया? अभी करीब 5-6 लोगों को कर दिया। कितने रुपए का चालान काटा जाएगा? जो जैसा जुर्माना होगा उसी के आधार पर काटा जाएगा। जैसे लोग यदि नहीं करते हैं तो फिर किस तरह से आप इन लोगों? न्यायालय में जब्त करके न्यायालय में पेश किया जाएगा, न्यायालय के द्वारा निराकरण होगा। आप देख रहे हैं इतने लोगों का अभी चालान हो गया है, और भी लोग निकलेंगे। जिन लोगों के पास नंबर या तीन सवारी लें, उन लोगों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बाद इन लोगों की गाड़ी देखते रहिए हमारा फेसबुक लाइव। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और खबर लहरिया को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको और आगे का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।